है तौर पे आपको ये किया है? कोई चीज नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा सदर में जो नए इक्विपमेंट लगते हैं सर, पुराने इक्विपमेंट बंद चले आ रहे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था नहीं है, चलो यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, सारी व्यवस्था है हमने दिया है, दवाएं मौजूद नहीं रहती हैं, सारी चीजें दिया है और सारी चीजें नहीं है सर। आप जाँच करा लें अपने लेवल से। मैं जाँच नहीं कराया, जाँच कराया है, सारी चीजें यहाँ उपलब्ध है। और मैंने झूठ बोल रहा है, एक सेकंड, सीएसआर फंड से मीडिया को जो बहुत जानकारी है और मुझे जो जानकारी है, मैं अभी मैं जानता हूँ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जेंट्स के लिए नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ आप सुन लीजिए, 30,000 का मशीन आता है, वो मशीन अवेलेबल नहीं है। मैंने मशीन अल्ट्रासाउंड का लगवाया है, हाँ। आपकी जानकारी के लिए, सीएसआर फंड के लिए, जो भी पैसा है मैंने अलग से करोड़ों रुपए का सीएसआर फंड से यहाँ दिया है। और वो सब उसको लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? लाभ मिल भी रहा है, उसमें कुछ टेक्नीशियन का कभी कभी कमी होगा तो लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। एक बात कहना चाहते हैं, बाबा बढ़िया से व्यवस्था नहीं है तो सड़ जाएगा प्लांट नहीं, इसको रख रखाव के लिए बाबा वादा। अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको डुमरी से है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम जब लगवाए हैं तो रख रखाव सब होगा। बाबा आज रामविलास पासवान का आज के दिन मौत हुआ था, एक साल हो गया, क्या कुछ कहेंगे? भाई बोले ठीक है, ये रामविलास पासवान जी का आज वार्षिकी है, बरखी जिसको कहते हैं, उसके लिए भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। हमारे बड़े नेता के रूप में एनडीए के रहे थे, मंत्री के रूप में रहे, बिहार की और देश की सेवा उन्होंने किया है, उसके लिए निश्चित रूप से भगवान से उनकी चिर शांति मिले। और उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो जनता के लिए उपयोगी हो रहा है, आगे भी जनता उन्हें इस बात को जरूर याद रखेगी। मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया सर आपने। अब हो गया, एक बात में आप जितना सवाल मैंने था मैंने दे दिया, जवाब नहीं मिला है मुझे। अब जवाब नहीं मिला तो आपको जवाब यहाँ मिलेगा कैसे? आप जवाब लीजिए। नहीं, जवाब तो मैंने यहाँ के पेशेंट से भी लिया है, हॉस्पिटल से लिया, नहीं अवेलेबल है सर यहाँ सुविधाएं। आप आते हैं सारे सामान, आप आते हैं सर, आप फोटो खिंचवा करके जाते हैं, आप लोकार्पण करके जाते हैं, यहाँ मरीज आती है और दर दर की ठोकरें खाती है। नहीं है, जितनी सामग्री यहाँ दी गई है, हिंदुस्तान में पहला अस्पताल ये जिला का अस्पताल है, इसको हमने एम्स के द्वारा मोदी सुनिए, बनाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप छोड़ दो, आप लोग आप गलत बात मत करा, सिस्टम से हट के बात मत करिए। सिस्टम से मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो प्रधान आप एक पत्रकार है, आपका इज्जत है। बिल्कुल मोदी जी के बारे में गलत बात मत बोलिए। आप प्रतिनिधि हैं यहाँ के, आप सांसद हैं, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ का व्यक्ति सुनो करने के लिए, सारी व्यवस्थाएं उत्तम है और सारी व्यवस्थाएं, आप लोग चुप रहिए, सारी व्यवस्थाएं से उत्तम है। जहाँ जो कमी है उसको हम आप मिलके प्रयास करके ठीक करें। कितने दिन में ठीक हो जाएगा सर? सारी व्यवस्थाएं ठीक है, नहीं आगे है सर, जो कमी है वो ठीक हो। मेरी बात को मानिए सर, नहीं है यहाँ तो अब हो गया, तो इसको क्या रखे हैं आप, इसको बंद करिए। मैं पूछ रहा हूँ कब तक ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, कब तक ठीक हो जाएगा सर? आप ही ठीक कराएंगे ना? यहाँ ठीक है, मालिक है जिला, यहाँ ठीक है, और जो ठीक कमी है उसको भी पूरा किया जा रहा है। हमारे तमाम अस्पताल के अधिकारी, भारत सरकार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अस्पताल की दुर्दशा को हमने ठीक किया है। इसलिए अस्पताल में सारी, मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में पहला अस्पताल ये है, पहला अस्पताल ये है जहाँ पे ईसीजी का, जहाँ सुन लीजिए, पहला अस्पताल है जो भारत सरकार का, जहाँ डायलिसिस, आप पार्टी बन के काम कर रहे हो, चलो आपके सांसद, आपके सांसद जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है क्या? माननीय प्रधानमंत्री, जनता है, सवाल पूछ रहे हैं, अरे मीडिया के साथ है, बकवास करेगा ज्यादा, उनके साथ नहीं, चलो मीडिया, नहीं नहीं उसके साथ नहीं है, नहीं मीडिया के साथ, मीडिया के साथ है, अब साथ नहीं है, जाओ जाओ जाओ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भैया का भैया का जाओ, भैया का जाओ, मोबाइल छीन के तोड़ दिया, अभी हाथ लगा रहा था एक, ठीक है ठीक है।
मान लीजिए मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है, मान लीजिए अब ये सब कुछ मैं बक्सर की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या संवैधानिक है ये, क्या ये जिस तरह का व्यवहार आज मेरे साथ किया गया है ये संवैधानिक है। और कमेंट करके आपका सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा कि क्या पत्रकारिता करने वाले लोगों को, जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, उन्हें सांसद और विधायक इसी तरीके से रोक दिया करेंगे, तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा। बक्सर टुडे में मैं प्रभास सिंह, बक्सर टुडे में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।